हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हमारे पास आया है ऑटोविट ब्रांड की तरफ से कार एलईडी हेडलाइट। तो भाई आज हम जो उसको अपने गाड़ी पे इंस्टॉल करने वाले हैं और देखेंगे कि रात में इसका कैसा रिस्पांस आता है। तो भाई हमारे पास दो पेयर आया हुआ है, पहला पेयर जो है H4 का है और दूसरा पेयर जो है H8 का है। अब ये कहाँ कहाँ पे लगेगा चलो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई H8 सॉकेट जो होता है ना ये गाड़ी के फॉग लैंप्स पे लगता है और जो H4 सॉकेट होता है वो गाड़ी के हेडलाइट पे लगता है। तो आज हम जो अपने गाड़ी के प्रोजेक्टर में भी LED इंस्टॉल कर देंगे और हेडलाइट में भी LED इंस्टॉल कर देंगे, सेम LED लगाने वाले हैं। तो फिर देखेंगे कि भाई रात में इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो भाई एक बार जो इसका अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो देख सकते हो एक पेयर जो H8 का है और दूसरा जो H4 का है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ होती है ना उसके हेडलाइट में आपको H4 ही सॉकेट लगेगा और दूसरा जो है H8 सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप में लगेगा। एक बार आपको LED का क्वालिटी भी चेकआउट करा देता हूँ। तो भाई मैं सबसे पहले H4 LED को बाहर निकाल रहा हूँ और आप देख के खुद ही समझ जाना कि भाई इसका क्वालिटी कितना अच्छा है। आपको मैं एक बार और अच्छे से बता दूंगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो भाई एक बार आप जो इसका क्वालिटी चेकआउट करो, इसका क्वालिटी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा है। और भाई आपको बता देता हूँ H4 LED में अपर डिपर जो सेम बल्ब में ही लगा हुआ होता है, इसलिए आपको जो चार इसमें LED चिप देखने को मिलता है। H4 सॉकेट की बात कर रहा हूँ तो इसका क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसके वायर की क्वालिटी की बात करें तो वायर की वायरिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसमें आपको जो इसके ब्लास्टर में ऑटोविट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो भाई अब इसको क्या करेंगे, हमको इसके लुक से कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये चेक करना है कि भाई ये रात में कितना अच्छा रिस्पांस करता है, ये रात में अच्छे से ब्राइट है या नहीं है, वो तो आपको रात के टाइम जब इंस्टॉल करेंगे तभी पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। एक बार फॉग लैम्प के LED का भी क्वालिटी जो है चेकआउट कर लो। तो भाई इसमें आपको जो H8 सॉकेट देखने को मिलता है फॉग लैम्प्स में। तो भाई ये हमारा जो LED है ये H8 सॉकेट है फॉग लैम्प के लिए। बाकी भाई इसका क्वालिटी बिल्कुल सेम होगा क्योंकि भाई दोनों LED जो है सेम कंपनी का है। तो भाई इसमें आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भाई H8 सॉकेट LED के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही LED चिप देखने को मिलता है क्योंकि भाई फॉग लैम्प में कोई अपर डिपर नहीं होता, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही LED चिप देखने को मिलता है फॉग लैम्प के बल्ब में। अब क्या करते हैं फटाफट से इसको जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि भाई इसको जो है कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मेरे कार के हेडलाइट में पहले से LED लगा हुआ है। तो भाई सबसे पहले हम जो इसका कपलर डिस्कनेक्ट करेंगे जो कि मैंने कर लिया है और आप ये जो देख रहे हो ना इस LED का ब्लास्टर लगा हुआ है। अब इसको बाहर निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको राउंड घुमाना है और ये जो इजीली बाहर आ जाएगा। तो भाई फटाफट से मैं इस LED को बाहर निकालता हूँ फिर बताता हूँ कि भाई कैसे जो LED को इंस्टॉल किया जाता है। LED को बाहर निकालने के बाद सबसे पहले आपको ये डस्ट कवर बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद LED का जो सॉकेट लगा है ना वो इसी में लगा हुआ है पुरानी LED का। तो भाई आपको ये वाला लॉक ओपन करके पुरानी LED का जो H4 सॉकेट है ना उसको भी बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ही हम जो अपनी गाड़ी का न्यू LED इंस्टॉल कर पाएंगे। अब इस पार्ट को एकदम ध्यान से देखना क्योंकि भाई इसी में पता चलेगा कि LED को जो है कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो भाई सबसे पहले आपको ये वाला सॉकेट निकालना है जो कि आप राउंड घुमाओगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो भाई ये बाहर आ चुका है। सबसे पहले गाड़ी के हेडलाइट में ये वाला सॉकेट लगेगा, उसके बाद ही मैंने गाड़ी का जो LED लाइट है ना ये फिट होगा। अब क्या करेंगे आप बताता हूँ कि भाई इसका पोजीशन कैसे होना चाहिए। तो भाई जब भी आप LED इंस्टॉल करते हो तो उसका पोजीशन जो है ना हमेशा नीचे की साइड होना चाहिए। अगर ये लेफ्ट की साइड होगा या राइट की साइड होगा तो भाई इसका जो थ्रो है ना रोड पर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है। LED का जो H4 सॉकेट था उसको मैंने निकाल के अपनी गाड़ी के हेडलाइट पे लगा दिया। अब ये लॉक को वापस से जो है इसमें लगा देना। तो भाई ये हमारा जो सॉकेट इसमें फिट हो चुका है। अब बारी है इसके डस्ट कवर को लगाने का। तो भाई हमेशा जो आपको डस्ट कवर लगाना है, अगर आप डस्ट कवर नहीं लगाओगे तो भाई हेडलाइट के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा धूल जम जाएगा। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है और इसका जो डस्ट कवर है उसको टाइम से लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है अपनी LED को वापस से जो है इस सॉकेट पर लगा देना। अब LED को जो है वापस से लॉक कैसे करेंगे, तो भाई आपको बस LED को अंदर डालना है इस सॉकेट के अंदर, उसके बाद जो एक राउंड घुमा देना है और हमारा जो LED है ना इस सॉकेट के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाएगा। मैं फटाफट से इसको इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। इस LED को इंस्टॉल करने में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने LED को बाहर निकाल लिया। अब हम जो इसके डस्ट कवर के आर पार जो LED को करेंगे, उसके बाद सबसे पहले जो हमारा LED लाइट फिट होगा, उसके बाद जो डस्ट कवर फिट होगा। तो मैं फटाफट इसको जो कम्प्लीटली जो फिट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। तो भाई फाइनली हमारा जो लेफ्ट साइड का LED इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है। तो भाई आपको भी सेम इसी तरीके से इंस्टॉल करना है और आप देख सकते हो हमारा जो है इसका कनेक्शन भी प्रॉपर तरीके से मैंने कर दिया है। आप क्या करेंगे फटाफट से जो एक बार ऑन करके देखते हैं कि भाई ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। मैंने हेडलाइट ऑन कर दिया और आप जो लेफ्ट में LED देख रहे हो ना ये जो ऑटोविट कंपनी का LED है और आप जो राइट में देख रहे हो ये जो किसी दूसरी कंपनी का LED है। अब क्या करते हैं फटाफट से रात होने का इंतजार करते हैं फिर देखेंगे कि भाई इसे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं क्या करूँगा फटाफट से हेडलाइट का जो है राइट साइड भी जो ऑटोविट कंपनी का LED लगा देता हूँ और नीचे आप फॉग लैम्प देख रहे हो ना ये भी दूसरी कंपनी का LED है। फटाफट से फॉग लैम्प में भी ऑटोविट कंपनी का LED इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई फॉग लैम्प के अंदर LED लगाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, कुछ ज़्यादा टफ टास्क नहीं होता। तो भाई मैंने इसका कपलर कनेक्ट कर दिया, इसका वायरिंग हो चुका है। अब आपको सेम उसी तरीके से लगाना है जैसे आप लोगों ने H4 LED को लगाया था। आपको बस इसको जो है फॉग लैम्प के अंदर लगाना है, उसके बाद आपको जो इसको बस राइट घुमा देना है और आपका जो LED है ना प्रॉपर जो है फिट हो जाएगा। तो भाई सेम प्रोसेस होता है जैसे आप लोगों ने H4 पे लगाया, वैसे ही आपको H8 पे भी लगाना है। तो भाई मैं फटाफट से LED को इंस्टॉल कर लेता हूँ और मेक श्योर कि भाई इसका जो पोजीशन है ना हमेशा जो है डाउन की साइड होना चाहिए। अगर ये डाउन की साइड नहीं होगा तो आपको जो रिस्पॉन्स है ना रात के टाइम पे उतना अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि भाई आपका लाइट जो है प्रॉपर रोड पर नहीं मारेगा, ये इधर उधर फैलने लगेगा। अपने फेवरेट स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और हम अपनी गाड़ी पे जितने भी LED लाइट इंस्टॉल करते हैं ना उसको टेस्ट करने के लिए सेम इसी जगह पर आते हैं और आज इस लाइट को भी टेस्ट करने के लिए हम सेम जगह पे आए हुए हैं।
इसी जगह में हमको जो है समझ में आता है कि भाई एलईडी जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, जो है आपको सिर्फ इसी रोड में ही समझ में आता है। अब क्या करेंगे, फटाफट से अपनी गाड़ी का जो हेडलाइट ऑन कर दें। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, हम लोगों ने जो सेम कंपनी का जो एलईडी ना ऑटोबिट कंपनी का एलईडी, उसका जो हेडलाइट में भी H4 लगा रखा है और फॉग लैंप में भी H8 लगा रखा है, मतलब कि भाई हमारी गाड़ी के हेडलाइट में भी सेम एलईडी है और फॉग लैंप में भी सेम वॉट सेम एलईडी लगा हुआ है। अब इसका रिस्पॉन्स चेकआउट करेंगे भाई क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अभी रात के टाइम पर। चलो इसका सबसे पहले हेडलाइट ऑन करते हैं। तो भाई हेडलाइट में ऑन कर दिया हूं। अब आप देख सकते हो ये लो बीम में कितना ज्यादा ब्राइट है। अब समझ जाओ कि भाई अगर ये लो बीम में इतना ज्यादा ब्राइट है, मतलब कि आप सोच लो हाई बीम में भी कितना ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और आप ये भी चीज अंदाजा लगा लो कि अगर हेडलाइट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भाई ये जो है अपनी गाड़ी के फॉग लैंप में प्रोजेक्टर से कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब क्या करते हैं, इसका हाई बीम ऑन करते हैं। भाई हाई बीम देखो कितने ज्यादा दूर तक जा रहा है। तो भाई लाइट जो है ना मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, लाइट में कोई भी कमी नहीं है भाई। आप देख सकते हो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑटोमेटिक का एलईडी हेडलाइट पे। अब एक काम करते हैं, इसका फॉग लैंप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या रिस्पॉन्स आता है। तो भाई अभी देखो अपना फॉग लाइट जो है बंद है, मैं इसका फॉग लाइट ऑन कर रहा हूँ। फॉग लाइट ऑन करते हैं इसका जो व्यू है ना कितना ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, मतलब कि भाई इसका जो रिस्पॉन्स है ना काफी तगड़ा हो जाता है फॉग लैंप ऑन करने के बाद। तो भाई मेरे को चीज काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जो अपना ऑटोमेटिक का एलईडी है ना भाई काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो भाई इसको आंख बंद करके ले सकते हो, काफी अच्छा एलईडी है। तो भाई अब क्या करता हूँ, इसको मैं आपको बाहर से दिखा दूँ कि ये बाहर से एक्चुअल में कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो चलो गाड़ी के बाहर चलते हैं। हेडलाइट और फॉग लाइट दोनों आने देख सकते हैं, यहाँ पे हेडलाइट हाई बीम में चल रहा है और फॉग लैंप भी ऑन है। तो भाई बाहर आया, एक बार इसको जब ब्राइटनेस चेकआउट करो, एक बार सामने से देख लो, तो भाई कुछ इस टाइप का ब्राइटनेस है। लेकिन भाई सामने से ना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आप देख सकते हो, और इसका लुक भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आपको मैं दूर जाके दिखाता हूँ, तो भाई दूर से भी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और प्रॉपर इस लाइट में जो अपना फॉग लैंप का फोकस आता है ना, प्रोजेक्टर का जो फोकस आना चाहिए वो यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे भी बना हुआ है और सेम वहाँ पे भी बना है, मतलब कि भाई लाइट का जो रिस्पॉन्स है ना काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो भाई इस प्रोडक्ट के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको बाय कर सकते हो। एक बार जो ना रोड में चलते हुए भी आप इसका फोकस चेकआउट कर लो, भाई पूरा रोड कवर कर रहा है यार, मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं पे भी ये रोड छोड़ रहा होगा। फॉग लैंप का भी रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है और हेडलाइट का रिस्पॉन्स तो काफी ज्यादा अच्छा है ही। अब समझ जाओ कि भाई दोनों सेम एलईडी लगा हुआ है हेडलाइट में भी और फॉग लैंप में भी। और एक बार इसको जो रिस्पॉन्स आप खुद ही अपने सामने देख सकते हो, ऐसा कहीं भी लग नहीं रहा कि ये जो है बीच लाइट में कहीं गैप छोड़ रहा होगा। नोट कर लो अपना गाड़ी का हेडलाइट भी ऑन है और फॉग लैंप भी ऑन है और कितना अच्छा ये जो है लाइट कवर कर रहा है, मतलब कि ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि भाई ये कहीं पे जो है लाइट जो है छोड़ रहा हो। कभी कभी क्या होता है सस्ता लाइट जो है ना अपना लाइट छोड़ने लगता है, मतलब यहाँ पे गैप आ जाता है, कभी यहाँ पे लाइट मारता है कभी वहाँ पे मारता है, तो भाई ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लाइट भाई काफी तगड़ा है, हेडलाइट में भी सेम एलईडी लगा हुआ है H4 और फॉग लैंप में लगा हुआ है H8, दोनों सेम कंपनी का एलईडी है। बस फर्क यह है कि भाई ऊपर में H4 लगता है और नीचे H8 लगता है। और भाई ये प्रोजेक्टर के साथ ना काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो भाई मेरे को तो भाई एलईडी काफी ज्यादा पसंद आया और आपको मैंने जो है रोड में चलते हुए भी दिखा दिया। बहुत लोग जो है ना हाईवे वगैरह पे चला के नहीं दिखाते, लेकिन मैं आपको प्रॉपर टेस्टिंग दिखा रहा हूँ कि हाईवे पे कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो भाई खुद ही देख लो कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो भाई इस प्रोडक्ट का जो लिंक है ना मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये लाइट पसंद आता है, आप चाहो तो H4 भी ले सकते हो अलग से और आप चाहते हो इसमें H8 भी ले सकते हो, तो भाई इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अब वहाँ जाकर इसको बाय कर सकते हो। तो भाई आज छोड़ बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू।